हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मैं इस समय यूपी में नहीं हूँ, यूपी से बाहर आया हुआ हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें इस समय आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हूँ। तो आज हम मैराथन की जगह आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैराथन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आप सभी के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स करके कई सारी वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आपको भी सुविधा रहे और मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाए वीडियोस को बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी समस्या को समझेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद को। हमने फिलॉसफी के पार्ट की एक मैराथन की हुई थी, उस मैराथन के बाद का ये पार्ट है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, आपको विवेकानंद के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगर आप हमारे एमएड एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। साथ ही साथ Instagram पर भी अब हम अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ Telegram चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है, सारी PDFs आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ में। स्वामी विवेकानंद, बात करते हैं ये मैन मेकिंग एजुकेशन की। ठीक है, मानव निर्मित शिक्षा की बात कौन करता है? स्वामी विवेकानंद करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात किसने कही है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, भारत की अमर विभूति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनको इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। वे कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे, यानी कि इनके जो पिता थे वो एक वकील थे। अगला पॉइंट हमारा, 5 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी को इन पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, किंतु नरेंद्र की पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, 5 साल की उम्र में इनको एडमिशन तो दिला दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि इनकी कोई रुचि ही नहीं थी पढ़ने पढ़ाने में, इसीलिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति के पीछे उस समय नहीं पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, धर्म एवं सेवा के कार्य में इनकी जन्म से ही रुचि थी, अतः इन्होंने सेवा का व्रत लेकर संन्यास ले लिया। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कर लिया, आजीवन संन्यास का व्रत धारण कर लिया। इनकी जो माता थी वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसी वजह से इनके अंदर में धर्म और सेवा कार्य की जो रुचि उत्पन्न हुई वो उसी कारण उत्पन्न होती है। 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका गए, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर इन्होंने इस विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, 4 जुलाई 1902 में संसार से विदा ली और स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं, कंपोजिशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने भारतीय धर्म, दर्शन, वेदांत एवं संयोग आदि से संबंधित कई विषयों पर व्याख्यान दिए और अनेक लेख लेखबद्ध किए तथा पुस्तकों का रूप भी दिया। इन पुस्तकों में प्रमुख हैं हिंदू धर्म चिंतनीय बातें, स्वाधीन भारत। ठीक है, तो पहली बुक कौन सी है, हिंदू धर्म चिंतनीय बातें, दूसरी है स्वाधीन भारत, अगली पुस्तक है व्यवहारिक जीवन विवेकानंद जी से वार्तालाप, इसके बाद आती है वेदांत, विवेकानंद जी के उद्गार, देववाणी, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग और धर्मयोग। ठीक है, ये सारी किताबें किसकी हैं, विवेकानंद जी की हैं। किताबों के बारे में मैंने पहले ही बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो इनकी किताबों को एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि बाई चांस में अगर कोई किताब पूछी जाती है तो आप इसे सही कर लें। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी वो है स्वाधीन भारत। ठीक है, स्वाधीन भारत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसे आप जरूर याद रखें। इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग और धर्मयोग, ये सारी किसकी किताबें हैं, तो विवेकानंद की हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, किसके जीवन का दर्शन, तो विवेकानंद के जीवन का दर्शन क्या था, हम उसे समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान एवं अद्वैत वेदांत के पोषक थे। ठीक है, यानी भारतीय जो दर्शन था उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा ही ज्ञान था, साथ ही साथ वे अद्वैत वेदांत के पोषक थे, यानी कि उसको मानने वाले थे। साथ में ही उन्होंने जो वेदांत की फिलॉसफी है उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया था। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक
कि दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। ठीक है, यानी शिक्षा से उनका तात्पर्य था कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि मनुष्य इस जीवन के लिए तैयार हो सके, प्लस जो पारलौकिक जीवन है उसके लिए भी तैयार हो सके। अगला पॉइंट है हमारा, उनका विश्वास था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। ठीक है, तो इनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण किया जा सके, मन को बलवान बनाया जा सके, बुद्धि का विकास किया जा सके और मनुष्य अपने आप में कैसा हो जाए, स्वावलंबी हो जाए। और इस प्रकार की शिक्षा को वह मनुष्य के निर्माण की शिक्षा यानी मैन मेकिंग एजुकेशन कहते थे। ये बात आपको याद रखनी है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो सके, ठीक है, मन का बल बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो सके और मनुष्य स्वावलंबी बन सके। इसीलिए इनकी शिक्षा को क्या कहा जाता है? मैन मेकिंग एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विवेकानंद के अनुसार विश्व परमात्मा का स्वरूप है। ये जो पूरा विश्व है वो क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। अगला पॉइंट है, मनुष्य को ईश्वर की अद्भुत रचना माना है। किसने? विवेकानंद ने मनुष्य को ईश्वर की अद्भुत रचना माना है। ज्ञान, भोग, कर्म और भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है। ये कहते हैं जो ज्ञान है, जो भोग है, वो कर्म है और भक्ति, ये सभी क्या है? ये हमारे मुक्ति के मार्ग हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शरीर के अस्तित्व को नकार कर आत्मस्वरूप को महत्व दिया। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। ये कहते हैं जो शरीर का अस्तित्व है वो है ही नहीं, ये कहते हैं आत्मा जो है वही क्या है? सर्वसत्ता उसी के हाथ में है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आत्मा का जो स्वरूप है उसको महत्व दिया। साथ ही साथ इनका विश्वास था कि जो भी ज्ञान है वो मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, वो सभी मनुष्य के अंदर है और शिक्षा के द्वारा ही उसे जागृत करके बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उन सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यानी मनुष्य के अंदर ज्ञान पहले से ही उपलब्ध है, बस उसे क्या करना है? शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होता है, इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य है जो, वो क्या है? जो ज्ञान है, चाहे वो लौकिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, इस संसार का ज्ञान हो या अगले संसार का ज्ञान हो, वो सभी मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान है और इसके ऊपर बस एक आवरण चढ़ा हुआ है और शिक्षा इस आवरण को हटा देती है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। यानी शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। इन्होंने शारीरिक उद्देश्य को इसलिए बल दिया जिससे आज के बालक भविष्य के निर्भीक एक बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सके, जिससे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये कहते हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा, अरस्तु ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये भी मानते थे कि अगर शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छी चीज़ों को पढ़ सकेंगे, अच्छी चीज़ों को समझ सकेंगे, ज्ञान लेकर के हम अपने पैरों पर आसानी से खड़े हो जाएंगे। तो इसकी बात ये करते हैं कि हमें पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य रखना चाहिए। साथ में इनके हिसाब से जो दूसरा उद्देश्य था वो क्या था? शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य भी इन्होंने तय किया था। अगला पॉइंट है हमारा, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। जो इन्होंने अगला उद्देश्य रखा वो क्या था कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। स्वामी जी का विचार था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। किंतु नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। ये कहते थे कि किसी भी देश की पहचान उसके संसद से, उसकी कार्यनीतियों से नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों से भी होती है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने नागरिकों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहिए जिससे कि महानता छलके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ठीक है,
विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा वह मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाएगा। ठीक है, चरित्र निर्माण की बात करते हैं कि शिक्षा का कार्य ये भी है कि वह चरित्र का निर्माण कर सके, अर्थात जो बालक हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य जो है वो बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर एजुकेशन आपको खुद पर विश्वास नहीं दिला पा रही है तो वो एजुकेशन एजुकेशन नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि वो किसी एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य है कि शिक्षा आपको ये विश्वास दिला सके कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। ये कहते हैं, ये इनका बहुत ही फेमस कोट है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी जो भी लक्ष्य आपने ठाना है उसको ही अब पाना है। ठीक है, तो जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको रेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। विवेकानंद ने किस शिक्षण विधियों की बात कही है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। तो पहली शिक्षण विधि है चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना। यानी कि जो हमारा मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मन क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है हमको कि मन को योग के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षक के गुणों तथा चरित्र का बुद्धि द्वारा अनुकरण करना। यानी जो शिक्षक है, शिक्षक के जो गुण हैं उसका जो चरित्र है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। ये भी बात कौन कहते हैं, ये भी बात कहते हैं विवेकानंद। अगला पॉइंट है बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना। बालक को हमें क्या करना चाहिए, एक उचित निर्देशन और मार्गदर्शन देना चाहिए, एक ऐसा परामर्श देना चाहिए जिससे कि क्या कर सके, वो जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मन को केंद्रीकरण विधि द्वारा विकसित करना। यानी कि मन को क्या करना, कंट्रोल में करने के लिए केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करना। इसके द्वारा हम अपने मन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ज्ञान को व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभाव, रचनात्मक कार्यों और तथा उपदेशों द्वारा अर्जित करना। जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, तो व्याख्यान यानी कि लेक्चर द्वारा, तर्क के द्वारा यानी हमें तर्क रीजनिंग लगानी है, साथ में विचार विमर्श करना है, स्व अनुभव अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करनी है और रचनात्मक कार्यों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण पद्धतियों में उन्होंने इस तरीके की पद्धतियों की बात की है। ठीक है, प्लेस ऑफ स्टूडेंट यानी बालक का स्थान। फ्रोबेल की भांति स्वामी जी ने भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना तथा बताया कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ तथा पौधे की भांति स्वयं ही स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। ठीक है, फ्रोबेल की तरह स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि सारी शिक्षा का केंद्र किसे रखा जाए, बालक को रखा जाए, और जो बालक है उसके अंदर लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही मौजूद है। यानी उस सभी का भंडार बालक के अंदर पहले से ही है, वह पेड़ और पौधे की भांति स्वयं ही विकसित हो जाएगा। ठीक है, बस हमें उसे प्रॉपर कंडीशंस देनी होंगी जिससे वो भली भांति विकसित हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शिक्षक का स्थान यानी कि प्लेस ऑफ टीचर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है शिक्षक के बारे में कि वह एक दार्शनिक मित्र होता है और पथ प्रदर्शक होता है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। अर्थात बालक जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसकी हेल्प करता है कि उस फील्ड में आपको नई नई चीज़ें बताए, उस फील्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करे, उस फील्ड के बारे में आपको सब कुछ जानकारी पहले से ही दे दे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एजुकेशन। तो पहला पॉइंट है हमारा स्वामी जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने मानव सेवा को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना है। ठीक है, यानी जो वेदांत फिलॉसफी थी उसी को ही उन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान किया। साथ ही साथ वेदांत फिलॉसफी से ही ये बात निकल करके आती है कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, इसीलिए उन्होंने मानव सेवा को सबसे ऊंचा स्थान दिया। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा, स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि हमें इस सांसारिक ज्ञान का प्लस आध्यात्मिक ज्ञान का भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं दोनों प्रकार की हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होते, तब तक ज्ञान, भक्ति और योग सब कल्पना की वस्तु हैं। ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास भौतिक संसाधन मौजूद नहीं होंगे और हम भौतिक रूप से सुखी नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की बात करना, भक्ति की बात करना और योग की बात करना व्यर्थ है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी के विचार अत्यंत व्यापक हैं। उन्होंने अपने पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के सभी विषयों के अध्ययन पर बल दिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरीके के ज्ञान की बात की है, तो जब दोनों तरीके का ज्ञान होगा तो पाठ्यचर्या कैसी होगी, जो आध्यात्मिक भी होगी और लौकिक भी होगी, यानी ऐसी पाठ्यचर्या जो हमें इस संसार में भी हेल्प करेगी और वो पाठ्यचर्या भी शामिल होगी जो हमें आध्यात्म की तरफ भी ले जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, स्वामी जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। वो कहते हैं जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज की परिस्थिति में स्वामी जी का यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, यानी आज की परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें ज्ञान का जो स्तर होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। तो आप सभी को अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।